नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज में। इस वीडियो में सीटेट के पेपर के क्वेश्चन देखेंगे जो रॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपका कोई रॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए। उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेंगे, अगर गलत होगा तो बता देंगे और राइट होगा तो बता देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 80 आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना EVS कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? इसमें ए दिया है स्वयं करके सीखना, बी दिया है विवरणों द्वारा सीखना, सी दिया है परिभाषाओं द्वारा सीखना और डी दिया है रट कर सीखना। ये क्वेश्चन आया है 27 दिसंबर 2021 को और पेपर वन में EVS के सेक्शन में है। अब इसमें ऑप्शन राइट आंसर कौन सा दिया है? राइट आंसर दिया है ए और डी। अब इसमें डी में क्या लिखा है? रट कर सीखना। अब इसमें रट कर सीखना तो सीधे सीधे गलत होता है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा इसमें ये आएंगे, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी और तथा सी, स्वयं करके सीखना ए सही है, इसमें विवरणों द्वारा सीखना बी सही है और सी परिभाषाओं द्वारा सीखना। लेकिन डी तो बिल्कुल ही गलत है, रट कर सीखना। तो इसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। इसमें ऑप्शन सेकंड गलत दिया है ऑफिशियल आंसर की में, लेकिन राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर एक। अगर आपका पेपर 27 दिसंबर 2021 को है और पेपर वन में EVS में सेक्शन ये क्वेश्चन आया है तो देख लीजिए अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन लग के आया है, आपने देखा होगा, ये सेकंड क्वेश्चन लगा है 80 नंबर, ये 80 नंबर है क्वेश्चन नंबर। आगे देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है संस्कृत में, ये पता नहीं कौन सी डेट में आया है लेकिन ये संस्कृत में आया है 141 पे। ये विद्यालयी शिक्षायाम नीति रूपे बहुभाषीयता इतस्य को अर्थ। इसका राइट आंसर तो पता नहीं, इसका आप कमेंट करिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो क्वेश्चन सेम आए हैं। ये क्वेश्चन है 141 और नीचे दिया है 142, ये 142 है, ये भी सेम क्वेश्चन है पूरा। अब सेम क्वेश्चन है और इसके लेकिन आंसर अलग अलग दिए हैं। जैसे इसके आंसर की दी है, इसमें आंसर की है यहाँ पे 141, ये देखो 141 है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही बताया है, और 142 में चौथा ऑप्शन सही बताया है। अब इसमें से एक क्वेश्चन तो गलत है ये। अब ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन गलत है, इसके लिए आप कमेंट कीजिए कौन सा क्वेश्चन गलत है। संस्कृत का है ये क्वेश्चन, और ये कौन से शिफ्ट का ये पता नहीं, किसी स्टूडेंट ने भेजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, ये आया है क्वेश्चन नंबर 71, ये 8 जनवरी 2022 को आया हुआ है पेपर में, पेपर वन में EVS के सेक्शन में। 71 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं प्रेजेंट में? अब टोटल प्रेजेंट में हैं 8, लेकिन इसमें ऑप्शन में कौन से दिए हैं? 6, 7, 9, 11। अब इसमें कोई राइट आंसर नहीं है, ये 7 पहले होता था लेकिन इसमें अब राइट आंसर 8 है। अब राइट आंसर इसमें दिया नहीं है तो इसके मार्क्स सभी को मिलेंगे, इस पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है 72। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचें
तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। इसमें ऑप्शन दिए हैं ठीक पूर्व, ठीक पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। और इसमें राइट आंसर दिया है सी टेट में ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर 3। जब इसको मैप में देखेंगे तो इसमें राइट आंसर निकल के आएगा उत्तर पश्चिम। अगर ये आपके सेट में आया है तो आप देख लीजिए, इसका मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें डेट नहीं भेजी है स्टूडेंट ने, इसलिए नहीं बता सकते ये कौन से सेट में आया है, आप देख लीजिए अपने पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 दिया है कहानी सुनाना, ऑप्शन नंबर 3 दिया है कार्य आधारित पद्धति, ऑप्शन 4 दिया है भूमिका निर्वाह करना रोल प्ले। आज इसमें सी टेट में ऑफिशियल आंसर की में दिया है ऑप्शन नंबर 1, लेकिन इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भूमिका निर्वाह करना रोल प्ले। ये क्वेश्चन पहले भी आता था, उसमें रोल प्ले ही इसका राइट आंसर होता था, लेकिन इस बार समग्र भौतिक प्रतिक्रिया इसका राइट आंसर दिया है। इसमें ये क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं राइट आंसर, इसमें राइट आंसर तो है लेकिन इसमें ऑफिशियल आंसर की में गलत दिया है, क्वेश्चन तो सही है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये पता नहीं कौन, ये है 29 दिसंबर 2021 का पेपर में आया है, ये देख लीजिए अपने पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें है मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सीखना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग करेंगे? अब इसमें ऑप्शन दिया है सामुदायिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मीडिया संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। अब इसमें सी टेट की ऑफिशियल आंसर की में राइट आंसर दिया है इसमें सामुदायिक संसाधन। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें ये क्वेश्चन गलत दिया है, राइट आंसर नहीं दिया है इसमें, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों इसमें अगर आपके पेपर में और क्वेश्चन गलत आए हुए हैं या गलत ऑफिशियल आंसर की में गलत हैं तो इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर अपना क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन भेज दीजिए, उसको रिव्यू करेंगे हम और इसका राइट आंसर बताएंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।